स्वागत है दोस्तों। तो इस समय रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में हड़ताल पर 400 डॉक्टर, अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी बंद। सोमवार से ऑपरेशन थिएटर बंद करने की तैयारी में जूनियर डॉक्टर्स। शनिवार से रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई है। दरअसल यहां मेडिकल कॉलेज के 400 रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। आम मरीजों के चेकअप और दवाइयां देने से लेकर उनकी देखरेख इन्हीं डॉक्टर्स की निगरानी में हो रही थी। अब फिलहाल डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू है। शनिवार की सुबह मेडिकल कॉलेज कैंपस में जमा होकर डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में सेव द सेवियर्स की तख्तियां थी। ये विरोध प्रदर्शन नीट पीजी की रुकी हुई काउंसलिंग के विरोध में है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, काउंसलिंग के रुकने से नए डॉक्टर्स का भविष्य भी अधर में है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। खबर है कि सोमवार से रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर्स में भी काम बंद कर देंगे। अंबेडकर अस्पताल में हर दिन करीब 1000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में इलाज करवाने पहुंचते हैं। ऐसे में शनिवार को रायपुर के आसपास से आने वाले बहुत से लोगों को परेशानी हुई। अस्पताल स्टाफ ने डॉक्टर्स की कमी बताई। दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स कह चुके हैं कि जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगी। 4 से 5 दिनों के भीतर कोई ठोस फैसला न होने पर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की तैयारी है।